देखिए दोस्तों, ये अपनी 17 इंच की हब मोटर है, ये अलॉय व्हील में मैग व्हील में है, और ये मैग व्हील भी इंडियन मेड है। जो चाइनीज में मैग व्हील आते हैं अक्सर टूट जाते हैं, जैसे मोटर आपने ली टूट गई तो ये मोटर बेकार हो जाएगी। तो हमने क्या, ये इंडियन मेड व्हील बना हुआ है। जब भी आपका अलॉय व्हील टूट गया अब हमें भेज दीजिए, हम फ्री में लगा के इसको दे देंगे। बस मोटर आपकी यही होनी चाहिए, मोटर नहीं बीच में इंक्लूड है, अलॉय व्हील की बस गारंटी है कि आप अलॉय व्हील जब भी आपका टूटता है भेजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम में यह नया बन के आपका आएगा। हाँ, एक्सीडेंट मेजर ना हो, बाकी उसमें थोड़ा सा चार्जेस हम कोऑपरेट कर लेंगे कस्टमर के साथ। अभी देखिए किट में सेम सामान है, क्या क्या आएगा, मोटर है, कंट्रोलर है, ये सब देख रहे हो, मीटर है, जंक्शन बॉक्स, की स्विच, MCB, थ्रोटल, ये है आपका कन्वर्टर, वायरिंग और थिम्बल कपलर। ये किस काम आएगी, जो वायरिंग थिम्बल कपलर काम आएंगे कंट्रोलर की वायरिंग करने में, ये इस काम आते हैं। मीटर आपको उसका बैटरी का लेवल और स्पीड बताएगा, कितने किलोमीटर चली उसकी हिस्ट्री बताएगा। जंक्शन बॉक्स है, ये मोटर की वायर को और कंट्रोलर को आपस में जोड़ने के काम आएगा ये जंक्शन बॉक्स। ये 6 पिन वाला जंक्शन बॉक्स आएगा आपको, 6 पिन वाला। ये चाबी है, की स्विच, ये ऑन ऑफ के लिए होती है, हैंडल लॉक के लिए नहीं है, ये ओनली कनेक्शन को, इग्निशन की बोलते हैं इसको। ये MCB है, MCB भी है, DC में 63 एम्पियर में आता है ये। ये घरों में जो लगे होते हैं 40 एम्पियर वाला, वो नहीं है, DC है 63 एम्पियर में। अब ये जो थ्रोटल है, थ्रोटल को बोलते हैं रेस एक्सीलेटर के लिए, ये रेस देने के लिए थ्रोटल है। 1, 2, 3 मोड मिलेगा, F&R भी इसमें मिल जाएगा आपको। कन्वर्टर किस लिए होता है, कन्वर्टर होता है आपका जो हेडलाइट है, हॉर्न स्विच को, हॉर्न को और हेडलाइट को जगाने के लिए, चलने के लिए ये काम आएगा कन्वर्टर आपका 12 वोल्ट का, ये 15 एम्पीयर कन्वर्टर। ये सारी कंप्लीट किट और ड्रम प्लेट भी साथ में आपको आएगी, और आपको किट जो भी आएगी वो टेस्टिंग होके ही आएगी, ऐसे नहीं हम भेजेंगे, ये सारी किट कंप्लीट किट हम आपको टेस्टिंग करके ही भेजेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, चला के इसको स्टैंड पे लगा के टेस्ट करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस करती है। देखिए 17 इंची व्हील में जो मोटर है, ये किसी भी बाइक में लगा सकते हैं, कोई भी 17 इंची व्हील उसमें लगा सकते हैं। बस कुछ लोग कहते हैं 48 वोल्ट पे ऑपरेट कर सकते हैं, 48 पे भी चलेगी, अगर सिंगल राइड पे रहोगे तो 48 पे चलेगी अच्छी। अगर जब भी डबल राइड आती है ना, पहली बात तो डायमीटर बढ़ा जाता है, जो मोटर होती है 10 इंची व्हील में होती है, अब 17 इंची व्हील में हो गया, अब पहिया बड़ा होएगा तो उसको और पावर चाहिए खींचने के लिए, तो इसके लिए हमें हाई वोल्टेज थोड़ा जाना पड़ेगा 60 वोल्ट पे। अब वैसे फिलहाल में कस्टमर को चाहिए हमेशा 60 वोल्ट पे बैटरी ऑपरेट करें, क्योंकि कंट्रोलर दो प्रकार के आते हैं मार्केट में, 48 वोल्ट या 60 वोल्ट या 72 वोल्ट। तो दोनों में कॉमन है, एक आता है 48-60 वोल्ट, एक आता है 60 वोल्ट 72 वोल्ट, और दोनों में कॉमन है 60 वोल्ट। तो हमेशा 60 वोल्ट की बैटरी बना के रखो आप, क्योंकि 60 वोल्ट की बैटरी से क्या होगा, आपका बाइक भी चल जाएगा और स्कूटर भी चल जाएगा। और यही आपने ली होगी 48 वोल्ट पे, स्कूटर चल जाएगा आपका, पर कभी बाइक का लिया तो बाइक नहीं चल पाएगा, तो इसलिए हमेशा बैटरी बैक रखना चाहिए आपको 60 वोल्ट में। तो 60 वोल्ट में से ऑपरेट करें, ट्यूबलेस टायर चढ़ जाएगा इस पर आराम से, तो किसी भी गाड़ी में लग जाएगी, आराम से चला सकते हैं। ये ड्रम प्लेट में आएगा, 110 mm का ड्रम प्लेट साइज है इसका। चलो अभी से हमें अभी चला के दिखाते हैं कि कैसे परफॉर्म करती है ये। देखिए ये नॉर्मल चल रही है, हमने कोई 3 स्पीड मोड भी यूज़ नहीं किया है, अभी जल्दी ही वीडियो बना रहे हैं हम, बाकी चलने में अच्छी है ये, परफॉर्मेंस अच्छी देगी आपकी और प्राइस भी इसका अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, इसको अभी यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। अभी इसे ऑर्डर करने के लिए आप कैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए वीडियो में नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हैं मेरा, आप जाके वहाँ पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी आल्सो अवेलेबल है, ये COD ऑल ओवर इंडिया सभी को मिल जाएगी, बस एक छोटी सी अमाउंट है पहले से, वो टोकन अमाउंट देनी पड़ेगी, वो इसलिए हम लेते हैं, कभी कभार मार्केट में कुछ लोग फ्रॉड कर जाते हैं, हमें ऑर्डर दे दिया पेमेंट कोई आई नहीं होती तो हमने भेज दिया, वो एक्सेप्ट नहीं करते COD में। तो क्या होता है, COD का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी,
मतलब कि आपके घर माल जाएगा, घर ये पार्सल जाएगा, फिर आपने पार्सल लेके उसे पेमेंट देनी है, ठीक है। हाँ बट ये ओपन नहीं करने देंगे हम, ओपन करने ये नहीं कि ओपन करके देखेंगे, ओपन करने की पॉलिसी नहीं है। बट आप यहाँ से हम जब भेजेंगे हम आपको वीडियो फोटो डाल देंगे कि क्या क्या सामान आपका आ रहा है इसमें, ठीक है। और सीओडी आप मंगवा सकते हैं, और सीओडी में क्या है कि कम से कम आपको 1500 से 2000 पहले पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा होता है थोड़ा सा, कोरियर चार्ज का 1000 रुपये लग जाता है, तो 2000 देना पड़ेगा। आने जाने किराया हम एडवांस में लेते हैं, जो ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो वापस भी आए तो हमें चार्जेस ना पड़े, क्योंकि अगर महीने में 10 कस्टमर ने भी हमारे साथ ऐसा कर दिया तो हमारा 10-20 हज़ार तो ऐसे चला जाएगा कोरियर में। तो इसलिए फेक ऑर्डर मत कीजिए, जिसने लेना है वही ऑर्डर कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी आपको हम फैसिलिटी अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया करवा देंगे।